हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स बाय सोनी। मैं और कैसे हैं आप सब। यहाँ आज सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, कल हमने एक वीडियो डाला था हेयर ऑयलिंग के लिए, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिए दोस्तों, ज़रूर देखिए। क्योंकि मैं कहूँगी यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकते हो कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं, क्योंकि कल मैंने हेयर ऑयलिंग की थी और आज मैंने शैम्पू कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितने बाल कितने अच्छे हो चुके हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकती आपको कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी स्किन की तरफ। आज मैं बताने वाली हूँ कि अपनी स्किन पर मसाज किस तरीके से करेंगे होम रेमेडी क्रीम बनाकर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ अल्प गुडनेस का एलोवेरा जेल, जो कि मेरा फेवरेट है दोस्तों। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये कर्ड यानी कि दही। और अब मैं यहाँ पर लूँगी शहद, ये डाबर हनी है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चम्मच एलोवेरा जेल, इसे मैं डाल लूँगी दही में। और अब मैं लूँगी डाबर हनी, इसे भी मैं आधा चम्मच डाल लूँगी। ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अगर हमें अपने घर पे ही होम रेमेडी क्रीम बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। और ये देखिए अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे, तो ये बन गई हमारी होम रेमेडी क्रीम, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ दोस्तों। मैं जब भी मसाज करती हूँ इसी क्रीम को बना कर लेती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी है तो इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, यानी कि मसाज करना शुरू करते हैं। अब हम तो इसे हम हाथ पे ले लेंगे और धीरे धीरे इसे मसाज करना शुरू करेंगे। इसे मसाज को हमें कम से कम 10 मिनट तक मैं करूँगी, जब तक कि हमारी क्रीम पूरे तरीके से अच्छे से हमारे चेहरे पे वर्क ना कर जाए, यानी कि मसाज करते करते इसको सोख जाना चाहिए। तब तक हमें मसाज करनी है, धीरे धीरे से, हमें रगड़ना बिल्कुल नहीं है चेहरे को। तो इस तरीके से हम मसाज करेंगे, अपनी नेक पे करेंगे, अपनी नोज़ पे करेंगे, नोज़ के आसपास करेंगे और लिप्स के नीचे ऊपर दोनों साइड करेंगे, यानी ऊपर की ओट और नीचे की ओट दोनों साइड मसाज करेंगे। क्योंकि हमारी स्किन पर हम स्क्रब करते हैं, पैक लगाते हैं, तो ये डीप मसाज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम करेंगे और हम नेक पे करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि नेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी चेहरे की जो स्किन अगर डार्क होती है, अगर हम नेक पे नहीं करेंगे तो हमारी चेहरे पे हम मसाज करेंगे तो हमारे चेहरे की जो स्किन है वो लाइट हो जाएगी और नेक की डार्क रहेगी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमें नेक को नहीं छोड़ना है, नेक पे भी करना है अच्छे से दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने दही लिया है, दही में आप जानते ही हो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी होता है, जो कि हमारे चेहरे को कोमल, मुलायम और ग्लोइंग बनाता है। ये हमारे चेहरे की झुर्रियों को मिटाता है, कील मुहासों को मिटाता है, साथ ही ये हमारे चेहरे की रंगत को भी निखारता है दोस्तों। और ये हमारे चेहरे पर जितनी भी डर्ट होती है उसको भी निकाल देता है। और जो हनी लिया है ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है। एलोवेरा जेल भी हमारे चेहरे को हाइड्रेट करता है, एक अच्छी सी शाइन देता है हमारे चेहरे को। नोज़ के आसपास भी हम इसी तरीके से करेंगे और नेक के नोज़ के ऊपर भी इसी तरीके से करेंगे। तो ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। आप बताना आप किस तरीके से करते हो अपने घर में मसाज क्रीम बनाकर। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, आप अगर इस तरीके से फॉलो करोगे और करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। ये जो मैंने आज क्रीम शेयर की है होम रेमेडी क्रीम, मसाज क्रीम, ये कोई भी स्किन टाइप्स कर सकता है, ये किसी को भी नुकसान नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक चीज़ नुकसान कर रही है तो आप उसे बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल भी ना लगाएं, मैं यहाँ पर मैं कहूँगी। और अब हम अपनी स्किन पर ये जो मैंने क्रीम लगाया है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे मसाज करने के बाद, जब तक ये सूख नहीं जाएगी तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसे हम 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे सूखने के लिए, जो कि हमारी पैक की तरह स्किन पर वर्क करेगी। तो देखिए ये पूरा सूख चुका है इस तरीके से। और अब मैं कर लूँगी वॉश, पूरा सूख गया है आप देख सकते हो। तो अब मैं चेहरा वॉश करके आती हूँ सादा पानी से, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मैंने जो है अपना जो चेहरा है वो वॉश कर लिया। यहाँ पे मैं बता दूँ हमें तुरंत फेस वॉश नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि जब हम इस क्रीम को जब हम करते हैं अपने चेहरे पर लगाते हैं उसके बाद हमारी स्किन ऑलरेडी इतनी मॉइस्चराइज हो जाती है कि हमें फेस वॉश नहीं लगाना चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी हम नेचुरल चीज़ें करें, अगर आपको ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी फेस वॉश तुरंत ना करें दोस्तों, क्योंकि ये हमारी स्किन पर जब तक काम ना कर जाए, वर्क ना कर जाए, तब तक हमें फेस वॉश नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। बताना आपको कि ये कैसा लगा। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मॉइस्चराइज़र।
आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये बादाम ऑयल। दोस्तों मेरे हाथ क्लीन है इसलिए मैं हाँ जो बादाम ऑयल ले रही हूँ उसको जो है फिंगर से ले रही हूँ, क्योंकि क्लीन हाथ है तो हम ले सकते हैं, ऐसी कोई जो है बात नहीं है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ मसाज। हमें बादाम ऑयल थोड़ा सा ही लेना है, यानी एक बूंद से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जितना ही हमारी स्किन पर फ़ायदा देगा उससे ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो नुकसान भी देता है, पिम्पल्स निकाल देता है। तो हमें बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत थोड़ा सा। तो देखिए ये बहुत अच्छे से हमने मसाज कर ली, मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया। आप ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बताना ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ की मेरी आईडी सोनी दिल से दिल तक। और एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।